में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार बेच रही है सस्ता सोना, कल तक खरीदने का है मौका। बीते 5 जुलाई को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान किया है। इसी के साथ सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि इस बीच मोदी सरकार आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। दरअसल मोदी सरकार की सॉवरेन गोल्ड बैंड स्कीम के तहत आप सस्ता सोना खरीद सकते हैं। डिजिटल मोड या स्कीम की सीरीज के तहत समय समय पर लोगों को सस्ता सोना खरीदने का मौका दिया जाता है। इस सीरीज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सोने की कीमत तय की जाती है। बीते 8 जुलाई से शुरू हुई सॉवरेन गोल्ड बैंड स्कीम की नई सीरीज 12 जुलाई यानी कल तक चलेगी। बता दें कि 10 जुलाई के हिसाब से सोने की बाजारों कीमत 3487 रुपए प्रति ग्राम है। वही स्कीम के तहत आप सोना 3343 रुपए प्रति 10 ग्राम खरीद सकते हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खाद की सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में होंगी जमा। फर्टिलाइजर की सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करने की तैयारी है। इसके लिए डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर DBT के दूसरे चरण में जहां देश के 100% किसानों को सब्सिडी वाली फर्टिलाइजर मुहैया करा दी गई है, वहीं दूसरे में किसानों के खाते में नकदी जमा कराने वाली योजनाओं को अंजाम दिया जा सकेगा। DBT 2.0 की शुरुआत करते हुए केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इस योजना में जहां पारदर्शिता आएगी वहीं फर्टिलाइजर की आपूर्ति में सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण की खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। DBT डैशबोर्ड का प्रावधान किया गया है जिसमें हर तरह की जानकारी को भी प्राप्त किया जा सकता है। खाद की मांग, आपूर्ति और उपलब्धता को जांचा जा सकता है। फर्टिलाइजर के उत्पादन में आयात और उसका भंडारण कहां और कितना किया गया है उसकी भी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।